रुपेश के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। और अभी मैं मौजूद हूँ फिराए लाल के अल्बर्ट एक्का चौक में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रुपेश पांडे के हथियारों को यहाँ पे आज फांसी दे जाने की मांग की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि उन लोगों की और क्या क्या मांगे हैं। मैं अमित सोनी, हिंदू समाज का कार्यकर्ता। ये रुपेश पांडे की हत्या हुई है, मूर्ति विसर्जन को लेकर के मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है। इसके हथियारों को फांसी मिलना चाहिए और हम लोग सजा दिलाने के लिए न्याय की मांग करते हैं झारखंड सरकार से। इसीलिए आज हम लोग फिराए लाल चौक में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किए थे। तो आइए जानते हैं कि और लोग क्या कहते हैं। देखिए, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सबसे पहले कठोर से कठोर है ना सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो कि हमारे प्रशासन में, जो पुलिस में जो लोग हैं है ना, उनको थोड़ा सा सतर्क होना है, जुडिशरी को सामने आना है। और जो मीडिया आज इतने सारे चीज़ों को लेके आती हैं, इस पर भी होना चाहिए कि हाँ, मतलब जो भी मॉब लिंचिंग में जो लोग पाए जाते हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। देखिए, ये सरकार का मिलीभगत इसमें नहीं हो सकता है, मैं पूरी तरह से नहीं बोलूँगा, ठीक है, बट इसमें सरकार का थोड़ा सा चूक हुआ है, ठीक है। प्रशासन को देखिए, प्रशासन तब जागती है जब हमारे हिंदू समाज के लोग जागते हैं। अगर प्रशासन आज जागा हुआ होता तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदू समाज के लोग है ना प्रतिदिन शहरों में, अलग राज्यों में निकल रहे हैं है ना, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर प्रशासन आज जागा हुआ रहता तो हम लोग को विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। उस दिन वहाँ पे पूरा इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, उसको लेके क्या? देखिए, इंटरनेट सेवा बंद करना है ना किसी चीज़ को दबाने के समान है ना। आज से पहले जब भी तबरेज अखलाक जैसे लोगों के ऊपर भी लोगों पे हुआ था, उस समय इंटरनेट सेवाएं बाधित नहीं थी। जहां तक आप देखोगे कि पूरा झारखंड को है ना कश्मीर बनाने की प्लानिंग हो रही है, जैसे कि कश्मीर में या कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है, मॉब लिंचिंग का घटना होता है, तो वहां भी इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी जाती है। तो इसको लेकर के भी सरकार को सोचना है कि लोगों को क्या लगता है, प्रोटेक्शन मिले इसके पीछे किसका हाथ है? देखिए, इस पे पूरी तरह से जो आपराधिक तंत्र के से जुड़े हुए लोग हैं उनका हाथ है, ठीक है। पूरी तरह से साजिश है ना, हिंदुओं को बार बार हनन किया जा रहा है, हिंदुओं को बार बार मॉब लिंचिंग द्वारा अलग अलग जगह पर घटनाएं होती हैं है ना, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। देखिए, वो धर्म से हो सकता मुस्लिम है लेकिन कर्म से वो मुस्लिम नहीं है। कर्म लेकिन वहाँ पे तो उन्हीं का पूरा रास्ता। देखिए, धर्म की बात करें तो हमारे देश के अब्दुल कलाम भी वो मुस्लिम थे, लेकिन वो पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित थे। और हमको ऐसा पूरी आशा है कि हमारे जो डीएसपी साहब हैं हजारीबाग के, सारे जगह अफवाह तो नहीं फैल रहा है ना कि वो मुस्लिम है। देखिए, अब इस पे उनका क्या आगे का क्या एक्शन होगा वो निर्धारित करेगा कि वो अपना धर्म को किस तरह निभाते हैं, ठीक है। धर्म प्रधान अपना कार्य करते हैं या कर्म प्रधान कार्य करते हैं। मेरा नाम राजेश आयान, हिंदू महापरिवार अध्यक्ष। तो आप लोगों ने देखा कि ऐसी घटना को लेकर इन लोगों में बहुत आक्रोश है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।